हेलो, गुड आफ्टरनून ब्रदर। गुड आफ्टरनून जी। बोलो क्या अच्छा मैं भी है ना चीज़ जी। नाइट को फोन किया था ना। मैं इकबाल सिंह बोल रहा हूँ राजस्थान से। तो हाँ सर बोलो। मैं अभी नौकल थाने गया था। मैं मेरे हाँ सर बोलो। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसी बात है तो बोला एक तो आप एंट्री नहीं करते। मैंने कहा हार्डवेयर की। मैंने कहा सर हार्डवेयर की एंट्री कोई करता ही नहीं है। हम अगर कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी काम करते हैं, अगर कोई काम करते हैं तो मैंने कहा हम कुछ भी एंट्री भी करें। मैंने कहा अगर कस्टमर 1 घंटे का नाम लेते तो मैंने 1 घंटे में हम रेडी करते। तो बोला भाई अगर ऐसी बात है तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जाना तो पड़ेगा एक बार वहाँ। बोला अच्छा जाके तो आओ और ऐसी कोई बात तो बोला लगनी। बोला ये जो कागज बना के देते हैं बोला ये हम भी देते हैं, अगर किसी को बुलाना तो ये हम भी देते हैं। बोला सर अच्छा तो बताइए। उनसे उनसे ये पूछा कि सर अगर इसके प्रति अगर कोई कार्रवाई होती तो उसमें क्या उच्च रहेगा, क्या कुछ ये पूछा था आपने। हाँ मैंने पूछा था। मैंने कहा सर बताओ। मैंने कहा ऐसे 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 बुलाया। बोला कि यार देखो अगर ये मैटर अगर तुमने ठीक करने के लिए बोला आप स्टोरी में इन्वॉल्व हो तो मैंने बोला कि अगर आप स्टोरी में इन्वॉल्व हो तो बोला आपको तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा सर स्टोरी में तो हम ऐसे कोई मैटर है नहीं। ठीक हाँ है मैंने कहा आप कभी भी हमारे सीसीटीवी उठा कर चेक करो, हमारे चीज शॉप पे जाओ मेरे पूरे मार्केट में हमसे पूछो, हमारे बारे में पूछ लो ना। हाँ मेरा आज तक कोई भी थाने वाने में कोई ऐसा कोई केस मेरा आज अभी तक भी कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा कहीं भी कुछ भी ना। ऐसा कोई इन्वॉल्व कहीं भी मेरा कि भाई मैं इनलीगल काम करता हूँ कोई पूरे मार्केट में आप चेक कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही और है। मैंने कहा उनको बताया। मैंने कहा सर कि आप कुछ भी ट्राई करो मेरी तरफ से मेरा कोई भी इसमें इनलीगल एक्टिविटी नहीं लगी ना। मैं कोई चोरी करने गया। हाँ मेरे पास ये डिस्प्ले लेने के लिए था, मैंने उसकी डिस्प्ले डाली और इसकी डिस्प्ले मैंने लगा रखी है और वो भी नौकर लगा रखी है। मैंने कहा उसमें प्योर ओरिजिनल डिस्प्ले भी नहीं लगी हुई है। मैंने सुन डिस्प्ले जो अपनी वो आती ना एमलोड वाली हाँ मार्केट से एमलोड डिस्प्ले लगा रखी है, उसमें ओरिजिनल डिस्प्ले भी नहीं लगाई थी। एमलोड की डिस्प्ले ऊपर से लगा रखी है मैंने। मैंने कहा सर आप चेक भी कर सकते हो, मैंने जो हैंडसेट मैंने रिपेयर करके दिया है वो रिपेयर्ड हैंडसेट है, क्या आप चेक कराओ मुझे कुछ चीज की कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हाँ अगर मेरी कोई भी इनलीगल एक्टिविटी मिलती है, अगर मैं कहीं भी चोरी चोरी में इन्वॉल्व हूँ, हाँ तो मैंने कहा आप मुझे बताओ। हाँ मैंने कहा चोरी में कहीं भी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट निकले मतलब आपकी लोकेशन ट्रेस करो कि मेरी कॉल डिटेल निकालो कि आप कुछ भी करो। बिल्कुल बोला अगर ऐसा बात है तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आप अगर बुलाया है तो आप जाओ, आपका बयान होगा वहां पे हाँ और बयान दे के आओ अपने। मैंने हाँ कहा अच्छा ठीक है सर वो तो मैं दे आऊंगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर उसके बाद आगे। फिर उन्होंने बोला कि सर बोला ऐसा बोला वहां पर उन्होंने क्यों पुलिस जो आए थे ना आप बंदे, उन्होंने बोला कि 50 लाख की चोरी है। मैंने कहा सर उन्होंने बोला कि 50 लाख की चोरी। बोला तो पुलिस वाले हैं कुछ भी बोल सकते हैं। बोला बोला आपको लेके नहीं गए ना। मैंने कहा अगर बोला आप 10 लाख की इतनी बड़ी चोरी होती तो बोला आपको 1 मिनट नहीं छोड़ दे घर पे, तुरंत ही उठा ले जाते आपको। अच्छा। मैंने कहा भाई अब क्या करना बहुत, लेकिन वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। 28 तारीख को बुलाया उन्होंने मेरे को कि 28 तारीख को वहां आना है। अब 28 को जाके ही पता चलेगा बोला क्या होगा क्या नहीं। एक नया नौकल थाने मिल गया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये तो कोई देखो आपने जो किया चलो बेटर है हमसे भी मिला, लेकिन बोला कि अगर आपको जाना तो पड़ेगा, बोला अगर आप नहीं जाओगे तो आप चोर कहलाओगे। मैंने कहा ठीक है सर चलो मैं जाके तो आऊंगा कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, आप जाओ। हाँ मिलो 28 तारीख को। और जब 28 हाँ तो आप राजस्थान से गुड़गांव, तो वो तो एक दिन का सफर हो जाएगा शायद। नहीं वो तो 3 घंटे में आ जाएंगे हम, 2 3 घंटे 3 घंटे में आ जाते हैं। हाँ 3 घंटे में आ जाते हैं। तो कोशिश ये करना, अगर सुनो अगर आपसे ये आप बीती बीती है तो आप मेरे से भी मिलना, हो सके तो आप पलवल आना, चाहे तो मैं आपसे पलवल मिल लूंगा, चाहे मैं आपको घर पे बुला लूंगा, हो सका तो मैं भी चाहे गुड़गांव आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तो ठीक हम है ये बैठ के इस मैटर पे बात करेंगे और एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो बना लेंगे, जिसके प्रति जैसे आज आप पे बीती, शायद किसी और पे बीते, खामा खान लपेटे में आए। हो सकता है कि अभी तो हम फोन पे बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपका ये नॉर्मल ही बीच बचाव में छुटाव हो जाए आपका, हो सकता है कि आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो सर। पता अब देखो चलेगा। अगर यहाँ पे पुलिस आई है तो वो तो सिंपल सी बोलता है कि चार्ज लगेगा। मेरे को लग रहा है कि चार्ज तो कुछ लेंगे अगर वो आए हैं ना तो आपको पता पुलिस वाले किसी की बात नहीं मानेंगे, हम भाई या उल्टा साहूकार हो कि इसमें, चोर हो। अब इसमें तो उल्टा हमारा नुकसान ही हो गया। एक तो पहले ही वो फोल्डर डलवा के ले गया 2500 रुपए का, अब एक फोल्डर हमने इसमें डाला 4-5 हजार रुपए का, मतलब उल्टा पहले ही हम 10 हजार रुपए खर्च कर दिया। और हो सकता है कि हम थाने में जाएं तो और भी हमारा कुछ भी हो सकता है इस चीज में। बाकी हाँ
हाँ तो देखो ये चीज पॉइंट टू पॉइंट मैटर है, इनको भी बताना, उनको समझाना कि सर ऐसे थोड़ी काम करते हैं, और अगर ऐसे एक ऐसे काम करना तो सर ऐसे करो कि हमारा कोई ऐसे कोई परमिट दे दो हमें बना के, कि भाई जितने भी मोबाइल वाले हैं कि भाई बिना इसके अथॉरिटी के ये दुकान नहीं खोल पाओगे, भाई एक लाइसेंस का इश्यू कर दो सब मोबाइल वालों को। आज की डेट में मोबाइल कोई छोटी चीज तो है नहीं, आजकल सब मोबाइल यूज करते हैं और सब वो करते हैं इन चीजों से, आजकल सब काम मोबाइल से ही हो रहा, तो मोबाइल एक ऐसी चीज होगी तो फिर इसका एक लाइसेंस इशू कर दो भाई, कि कोई भी दुकान खोलेगा तो मोबाइल का पहले तो लाइसेंस उसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा जब दुकान खोलेगा। हाँ अब वो उसमें मैंने बताया कि मैंने तो सर एक बात बताई, जैसे कोई भी हम अगर देखो अगर सर्विस सेंटर पे जाता है बंदा तो सर्विस सेंटर में भी कोई आइडेंटिटी नहीं देनी पड़ती। अगर आप हाँ रिपेयर के लिए जा रहे हो तो आइडेंटिटी के अंदर वहाँ भी आइडेंटिटी नहीं लेते, रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग तो नहीं लेते। अगर रिपेयरिंग लेंगे तो आपको सिर्फ बिल काट के देंगे रिपेयरिंग करने का, ना हाँ कि आपसे कोई आइडेंटिटी लेंगे। वही तो मैं इसमें इसमें इतने का पार्ट डलेगा, इसमें इतने का वो डलेगा, और बस ये हो गया, बस नाम पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, बस यही तो पूछते हैं। हाँ यस क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्विस सेंटर में भी जॉब किया है, तो सर्विस सेंटर में भी एक सीधा सिंपल सा फंडा होता है, आप जब का नाम पूछेंगे वो भी रिपेयर करने के बाद, कि जब आपको बिल हैंड ओवर देंगे तब आपसे जो नाम पूछेंगे कि हाँ सर जो अगर जॉब शीट क्रिएट करते हैं पार्ट नहीं है तो उसका मैटर अलग है, अगर पार्ट अवेलेबल है तो आपको हैंड टू हैंड रिपेयर करके देंगे कि, और उसके बाद आपको बिल निकाल के देंगे कि सर ये आपका बिल है और आपका नाम है, जिसमें मतलब पार्ट की जो गारंटी वारंटी मिलती है अपने को तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बिल बना के दे देते हैं, हम ये सर आपके इस नाम से बिल है और इसके डेट में आज की अंदर हमने ये रिपेयर करके दिया है, तो हाँ बिल्कुल उसमें भी आइडेंटिटी नहीं लगती। बिल्कुल। अब हमने इलीगल काम इसमें, क्योंकि अपन तो कोई चोरी में इन्वॉल्व है ही नहीं, अरे नहीं मैंने कोई देखो भाई, ये अब ऐसा ही होता है कि जब चोर होते हैं वो चोर जिस इलाके से चोरी करते हैं वो उस इलाके में तो थोड़ी काम वो करते हैं इन चीजों को। तो बात सही है ना सर, देखो आज का काम खत्म हो गया, आज शॉप क्लोज है, अब नजदीकी थाने जाके आया हूँ, जस्ट सुबह से गया हुआ था थाने से जाके, बस जस्ट आया मैंने कहा भाई को कॉल करो दोबारा से, किससे तो आपने एक वकील से और मिले, अपने से वकील से और किसी से सलाह मशवरा वकील किया? से बात वकील से सिर्फ बात की थी, तो वकील जी ने बोला कि भाई देखो इसमें तो आपको उन्होंने बुलाया कि वही आपको वहाँ पे बुलाया है, मतलब उनका आपके बयान वगैरह होंगे वहाँ पे, आपको जाना ही पड़ेगा, ये बात है, इसमें भी कोई ऐसा कोई बात नहीं है, बोला ये तो कोई छोटी बात है, लेकिन बोला ये कोई चोरी वोरी का इल्जाम है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, आपके मतलब बयान वगैरह होंगे। मैंने कहा ठीक है सर वो तो जाएंगे, लेकिन बात यहाँ की फंसेंगे तो आज चलो हम तो इतना मतलब हम खुद इतनी सावधानी पूर्वक काम करते हैं, हर चीज का इतना सावधानी पूर्वक सावधानी बरतते बरतते ही हम किसी को, वो भी रिपेयरिंग के अंदर हो गए, चलो कोई बंदा सॉफ्टवेयर का काम करता हो या कुछ और काम करता हो चलो उसकी बात अलग है, चलो तो भाई कोई अलग मैटर में फंस गया, देखो एक लेकिन हम चीज तो हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, हार्डवेयर के काम के अंदर हम फंस गए बोलो। सर, ऐसा है कि सॉफ्टवेयर का मतलब मोबाइल का काम सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा और हार्डवेयर के काम भी अधूरा, वो हमारे तो पास अपनी जब बात तक सही है दोनों सर, चीज नहीं होंगी तो जब तक हम कैसे करेंगे? वो बात सही है सर, अपन तो अपने को पता है ये चीज, लेकिन उनको कैसे समझाएं वो तो समझने के लिए रेडी नहीं होते ना, वो तो अपनी अपनी गाते हैं, बात तो यहाँ की फसली ना, वो तो सिर्फ अपनी ही अपनी बोलते हैं, अपन किसको बोले, अब उनको मैंने तो खूब समझाया, मैंने सर ऐसे बोला चलो तेरी बात है मानते हैं, बोला तू इन्वॉल्व नहीं है, बोला अगर इन्वॉल्व नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है तू जा देखी करोगे, और कल जब उन्होंने बुलाया मैं तुरंत आ गया उनके सामने, उन्होंने मेरे को मैं बुलाया जिसको घर आ गए, घर आ गए मेरे पास, घर से कॉल किया, मैं वहां पे शॉप पे था, यहाँ से 18-19 किलोमीटर शॉप है मेरी, यहाँ से मैं सीधा शॉप से तुरंत क्लोज की, मैं तुरंत सीधा का सीधा आया यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा सर भाई सुनो, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, आप उसमें जाना 28 तारीख को जो उन्होंने बुलाया तो आप उनसे मिलना एक बार जाके, और उन चीज से कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को साथ में लेके जाना, भाई भाई अगर हो अकेले जाना मत, और जैसा भी है। हाँ वो मैं गार्जियंस को लेके जाऊंगा साथ, वो किसी को तो लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा अकेला तो जाऊंगा नहीं, तो मेरे गांव के सरपंच वगैरह गए थे उनको लेके गया था ना अभी, जब तुम हमारे साथ ही मेरे साथ ही गए थे वो, मेरा सर देखो ना तो मेरा आज तक कहीं कोई केस वगैरह कोई भी केसेस वगैरह कहीं भी नहीं है मेरा, दूसरी मेरा पूरे मेरे गाँव के अंदर कोई मेरी छवि पूछ लो कि हाँ उसकी छवि कैसी है, मेरे बिल्कुल पूरे होता मार्केट के अंदर 108-109 दुकान है मोबाइल स्टोर की, कोई भी सर्विस सेंटर पर किसी भी के बारे में मेरे मेरी एक्टिविटी पूछ लो कि हाँ भाई कैसा एक्टिविटी है, कैसा उसका क्या लेन देन है, कैसा क्या है, कहीं भी मेरे बारे में पूछ सकते हो, बट
बात यहाँ के फंस गए कि जब हम हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, चलो तो सॉफ्टवेयर का, वो तो हम भी पता है कि हैंडसेट हैंग ऑन लोग तो उसको फिक्स कौन करेगा, सर्विस सेंटर वाले तो मना कर देते हैं तुरंत, वही मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड चेंज वो हम होता भी करते हैं, चलो है। उसको भी हम फिक्स करते हैं, बट अब प्रॉब्लम हाँ, या तो कुछ लेस, ये बात है आपकी भी सीख, या तो कोई लाइसेंस बना के दें अपने को। यही तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम अब हम एक छोटी सी बात बताओ, मोबाइल पहले जैसी चीज तो रही नहीं, पहले जैसी जो आदमी 2-3 हजार रुपए 4-5 हजार रुपए की चीज थी वो खो जाए गुम हो जाए, पैसा तो पैसा ही है, तो इतना लोग आगे एक्शन नहीं लेते। लेकिन आजकल एक्शन बहुत होता है, आजकल चोरी डकैती सब चीज पे एक्शन हो रहा है, कोई ऐसे नहीं कि भाई क्राइम तो क्राइम है, ठीक है, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए, पुलिस को भी इन चीजों में होना चाहिए। अब मेरा फोन है, अगर मेरा फोन मेरे से गलती से कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए तो हम रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे थाने में, तो पुलिस वाले वो काम करेंगे अपना, सही है, उनका रिस्पॉन्स अच्छा कि वो ट्रैचिंग पे लगाते हैं और भाई क्राइम को भी रोकने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा काम दोबारा ना हो, ऐसा ना हो, पर लोग बात करते हैं, पर उसके बावजूद भी वो चोर क्या होता है कि वो चोर घर से चीज चुराई वो किसी को बेच देता, कुछ लोग ऐसे भी जो उसे ये बावजूद भी पता होता कि भाई ये चीज 50 हजार रुपए की चीज है, जब भी वो उसे वो 5 हजार रुपए में ले लेता, 4 हजार रुपए में ले लेता, तो वो ऐसे ही जो तो जो मतलब माइंड माइंडेड क्लाइंटेड आदमी होते हैं वो ही तो लेते हैं इन चीजों को, पर ये भी उनका हाँ, होना चाहिए, बताओ। अगर वही तो बात, अब देखो अगर मैं, अगर मेरी जगह अगर मैं कहीं इन्वॉल्व होता, मैं कहीं अगर कोई थर्ड पार्टी अगर ये मैं काम करता तो मैं उसका चार्ज तो मैं अपनी सिम क्यों डालता, अब मुझे पता होता तो मैं अपनी सिम उसमें क्यों डलवाता मैं। और अब क्या। हमें इस चीज का पता ही नहीं है ना कि भाई इसके पीछे ये मैटर है, हमें पता ही नहीं है, और उसके बाद जो हमने चलो उसके अंदर अगर ऐसा कोई काम किया, चलो अपने को तो पता भाई कई बंदे इनलीगल काम करते हैं इन चीजों का, तो हमने तो उसका वो इनलीगल काम भी नहीं किया भाई, हम शौक की तरह, हमें पता है कि हम इस चीज से वाकिफ हैं, हमें इस चीज के बारे में पता है, हम आज आज आठ आठ 9-10 साल से काम कर रहे हैं, कि भाई अपने को इस चीज की अपने को पता ही, हैंडसेट ट्रैक होते हैं, अपने को सब काम पता है कि भाई ये काम कह रही है, ये काम ऐसे होता है, हमें पता है ये काम हम ऐसे क्यों करेंगे। तो तो कोई सर बात देखते हैं नहीं, अब क्या अब वो होता है, दुकान आज दुकान बंद है, ओपन करोगे अब जाके। आज तो माइंड खराब है बिल्कुल, अपसेट माइंड है, आज तो क्या काम करेंगे जाके, कल से माइंड खराब हो गया, कल शाम से ही जब पता चला कि यार ये मैटर हो गया, तो कहाँ कहाँ तो गया ही नहीं, कल शाम का आ गया था, कल शाम से लेकर अभी तक गया ही नहीं शॉप पे, कल कल ही जाके ओपन करूंगा, फिर भी आया हूँ मैं, जैसे आया था आपको बस आपको सीधा कॉल किया, मेरे भाई को जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर चलो ये बात आज मेरे को, मेरे आज ही कांड मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ नहीं हो, बिल्कुल 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 मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि ये चीज आज मेरे साथ ये कल किसी और के साथ, क्योंकि जब मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चोरी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, कहीं भी मेरा कोई ऐसा कहीं भी नहीं, मेरी एक्टिविटी नहीं है मेरी कहीं भी, तो फिर जब मैं एक, जब मैं मतलब बिल्कुल यही बात मैं आपसे मैंने कहा भाई को जरूर बताऊंगा, क्योंकि अपने वो पहले एक मोटिवेट वीडियो आई थी वकील साहब के साथ, अभी यही सोच रहा हूँ मैं कि अब किसी वकील को मतलब छोड़ के या किसी किसी बंदे को जो एक्सपर्ट बंदा जो पुलिस इंस्पेक्टर हो, कोई 3 स्टार हो या कोई वैसे जिला अधिकारी हो, किसी ना किसी से ऐसा कांटेक्ट करो कर। ना, मैं चलो चलो सर मैं बताता हूँ इसका भी, जैसे अपन मैं उस दिन आएंगे, मैं आऊंगा, मुझे पता है मेरे को तो अब लग रहा है मेरे को तो जाना ही है, तो उस दिन आप भी आओ वहीं पे मिलते हैं सर, सभी सभी एक जगह बात हो ही जाएगी, फिर वहाँ आएंगे तो सबसे पता तो चलेगा अपने को। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैं 28 तारीख को वो देखते हैं कि आप देखो आओ और किस टाइम वो आपको बुलाते हैं, मैं आपको देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी मिलने की। हाँ तो मिलते हैं, तो मुझे कि मैं भी खुद, क्योंकि मेरे को तो जाना है, था इसको उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैं हाँ आपको भी घर के, तो फिर जाना ही जाना अपन है। मिलते हैं वही वहीं पे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिलते रहेंगे, बात कर लूंगा मैं जैसे यहाँ से चलूंगा, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप भी आ जाना, ठीक है, तो ओके ठीक वो मिलेंगे वहीं पे, कि है। आप तो ये मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ में बिता रहा है, तो चलो ये तो मेरे कोई भी मतलब हमारे ताऊ जी थोड़े कर्नल साहब हैं आर्मी से, और मतलब गांव में भी मेरी अच्छी पकड़ है, मतलब सरपंच वगैरह से बिल्कुल भी, बिल्कुल तो इस बिल्कुल कंडीशन से चलो मैं तो कहीं निकल जाऊंगा, तो ऐसे भी कर करा के चलो भी किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा के कुछ ना कुछ कर करा के पैसे देसे के लेके, लेकिन उन बंदों का जो कि बेचारे उनका सारा, अब चलो एक बात तो मेरे पास जो लड़का है उसकी सिर्फ मैंने 8,000 उसको सैलरी बेस पे रखा, अगर उस मेरी जगह अगर वो बंदा इन्वॉल्व होता तो क्या होता, वो तो 7,000 की नौकरी कर रहा बेचारा, क्योंकि बिल्कुल 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 आज की लाइफ में काम है कहाँ, सब अपने अपने थोड़ा बहुत करके काम चलाते हैं,
देखते हैं सर, 8 तारीख को मिलते हैं सर अपन, में चलो 28 तारीख को। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। वेलकम।